जी मंच पर आसीन स्टेट बैंक के डीजीएम संजीव जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, पुरैना बहुत दिनों से हमारे मंत्री महोदय चाह रहे थे कि यहाँ पर एक शाखा खुले। 110% क्रेडिट सर को जाता है, इन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर लगाया। और आश्चर्यजनक रूप से मैं एक बात सर बताना चाहता हूँ, शायद भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक जनरल मैनेजर सर्वे करने के लिए खुद आया। और हम यहाँ आए थे उस दिन जब घनघोर बारिश हो रही थी, उस घनघोर बारिश में मैं यहाँ आया, पुरैना और मजदूरी दोनों एक ही दिन गया था। और उसी दिन मुझे लगा कि नहीं, सर ने जो रेफर किया है, जो खोलने के लिए बोला है, बिल्कुल एक नया आयाम देगा आर्थिक प्रगति के लिए। आसपास के 500 गांव इससे जुड़ेंगे और हम स्टेट बैंक के लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं कि हम पूरे इस क्षेत्र का जो आर्थिक विकास होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, जो सपना हमारे मंत्री महोदय देखते हैं, ये सपना को साकार करने के लिए हम प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस ब्रांच के लिए। सदर महाराजगंज श्री जयमंगल कन्हौजिया जी से आग्रह करूंगा कि सर आए और यहाँ संबोधित करें। पुरैना खंडी चौराहा भारतीय स्टेट बैंक शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार विराजमान महाप्रबंधक आनंद विक्रम जी, आरवी संजीव कुमार जी, उप महाप्रबंधक गोरखपुर अंचल श्री ललित नारायण जी, शाखा प्रबंधक पुरैना और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, कॉन्वेंट स्कूल है, राइस मिल है, काफी व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं, मगर एक भी किसी बैंक का कोई शाखा नहीं था। मैं बधाई देना चाहता हूँ और क्षेत्र की जनता तरफ से आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी कि आपके प्रयास से जो आज यहाँ बैंक का शाखा खुला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब इस कार्यक्रम में आए, आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। अब मैं श्री रविकांत पटेल जी जिला पंचायत अध्यक्ष महाराजगंज से आग्रह, शाखा प्रबंधक ललित नारायण जी, भारतीय